गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास. आज हम मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में आपके थोड़े से सिलेबस के बारे में बताया था, और आज हम अपनी क्लास का पहला टॉपिक पुनर्जागरण, आधुनिक विश्व के इतिहास का पहला टॉपिक पुनर्जागरण शुरू कर रहे हैं. तो आज हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ते हैं. तो देखो, पुनर्जागरण क्या था और क्या किसे कहा जाता है पुनर्जागरण. तो देखो, आम जो लोग हैं अपनी प्रचलन भाषा में, आम प्रचलन की भाषा में पुनर्जागरण से क्या कहते हैं, विवेक की जागृति, पुनर्जागरण. विवेक की जागृति पुनर्जागरण है. तो देखो, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ और क्या है पुनर्जागरण. देखो, पुनर्जागरण अंग्रेजी भाषा के रेनेसा शब्द से बना है. पुनर्जागरण अंग्रेजी भाषा के रेनेसा शब्द से बना है, ठीक है. और जैसे कि हम लिखने में देखते हैं पुनर्जागरण, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस जागरण. अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो देखो दो शब्द से मिलकर पुनर्जागरण बना है, पुनर्जागरण. पुनः मतलब दोबारा, दोबारा जागरण, ठीक है. तो इसीलिए क्या कहा गया है पुनर्जागरण के अर्थ में, कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा में इसे रेनेसा कहा जाता है, और रेनेसा से तात्पर्य है पुनः जागना, अर्थात पुनः जागना, पुनर्जागरण, ठीक है. और ये पुनर्जागरण किसका जागरण है, नींद से उठ के पुनः दोबारा नहीं जागना, सो गए थे उठ के दोबारा जाग गए है ना सोने के बाद. ये पुनर्जागरण नींद का जागरण नहीं है, ये विवेक का, बुद्धि का जागरण है. जो बुद्धि सो गई थी या जकड़ ली गई थी किन्हीं लोगों के द्वारा वो आपको बताएंगे, और वो जो जकड़ी हुई बुद्धि जब खुल गई, जागृत हो गई, लोगों ने अपने विवेक से काम करना शुरू कर दिया, तो उसे क्या कहा गया, पुनर्जागरण कहा गया, ठीक है. और ये पुनर्जागरण कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था, और यूरोप के इटली के शहर में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ था, तो ठीक है. अब बात आती है कि पुनर्जागरण कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है. तो ये पुनर्जागरण यूरोप में हुआ, और कब हुआ, यूरोप के इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं कि पुनर्जागरण कब हुआ, तो यूरोप के इतिहास में 14वीं शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, तो यूरोप के इतिहास में 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी का जो काल है, काल मतलब जो समय है, 16वीं शताब्दी तक का जो काल है, समय है, उसे क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण कहा जाता है. मतलब यही वो समय था जब लोगों की सोच जागृत हुई, उनका विवेक क्या हुआ, जागृत हुआ, उन्होंने अपने स्वयं के विवेक और बुद्धि से कार्य करना शुरू कर दिया, ठीक है. तो देखो, अलग अलग इतिहासकार इसकी अलग अलग परिभाषा देते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है वो क्या है, एक ही है. जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, ये जो पुनर्जागरण का काल था ये बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का काल था, या बौद्धिक और सांस्कृतिक जागृति का काल था. बुद्धि जागृत हो रही है, बौद्धिक मतलब बुद्धि विवेक जागृत हो रहा है, ठीक है. तो अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग नाम से जानते हैं. कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, एक नए युग का आरंभ हो रहा है ना. तो वो क्या कहते हैं, पहले यूरोप का प्राचीन काल, फिर मध्य काल, अभी जो पुनर्जागरण का काल है, इतिहासकार, यूरोप के इतिहासकार इसको पुनर्जागरण काल को यूरोप का आधुनिक काल कहते हैं. जैसे हमारा इतिहास भी तीन भागों में बटा हुआ है, मैं बता चुकी हूँ आपको इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है. तो जो यूरोप का आधुनिक काल शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, इसी पुनर्जागरण से शुरू होता है. तो मध्य काल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और आधुनिक काल क्या है, शुरू हो रहा है. इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो क्या है, पुनर्जागरण है. तो इतिहासकार मध्यकाल व आधुनिक काल को जोड़ने वाली कड़ी ही पुनर्जागरण को कहते हैं, ठीक है. और देखो, एक इतिहास
इतिहासकार हुए हैं, यूरोपियन इतिहासकार हैं डेविस, वो क्या कहते हैं पुनर्जागरण के बारे में? पुनर्जागरण उन विचारों की अभिव्यक्ति है जिन्हें मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कुछ लोगों ने सोच को नींद का जागरण नहीं है, बुद्धि का जागरण है। बुद्धि पहले क्या था? जागृत थी, तभी यूरोप ने, यूरोप का ज्ञान इतना पूरे विश्व में विख्यात था, है ना। फिर वो क्या हो गया था? एक बार सो गया था, फिर से जागृत हुआ। तो डेविस ने क्या कहा है? पुनर्जागरण उन विचारों की अभिव्यक्ति है जिन्हें मध्यकाल में पोप और पादरियों ने जकड़ लिया था। तो देखो इस तरह समझते हैं उसको, तीन काल आगे। आधुनिक काल में यूरोप के लोगों ने बहुत ही विकास किया, बुद्धि विवेक जागरण बहुत कुछ था, बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन मध्यकाल में क्या आ गया था? वहां यूरोप का जो धर्म है ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म के जो प्रधान थे उन्हें पोप और पादरी कहा जाता था, ठीक है। और पोप और पादरियों ने धर्म और राजनीति पर अपना अधिकार कर लिया और अपने मन से ही सारा दुनिया को चलाने लग गए, है ना। तो लोगों का तो जो विवेक था सोचने का वो खत्म हो गया, बुद्धि खत्म हो गई, क्योंकि जैसे पोप पादरी कहते थे वो लोग वैसे ही करते थे। अब पहले देखो एक अलग काल था, लोग अपने विवेक से काम कर रहे थे, फिर दूसरे के विवेक से काम करना शुरू कर दिया पोप और पादरियों के कहने पर, अब फिर अपना विवेक उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। तो तीन काल हो गए ना, ये प्राचीन काल, ये बीच का काल आ गया, लोगों की बुद्धि क्या हो गई थी? सो गई थी, अब फिर से बुद्धि जागृत हो गई, उसे आधुनिक काल कहा गया। इसीलिए तो डेविस ने कहा है कि मध्य का पुनर्जागरण उन विचारों की अभिव्यक्ति है जिन्हें मध्य काल में पोप और पादरियों ने जकड़ लिया था। बताना कि पोप और पादरियों ने पहले लोगों की सोच क्या थी? जागृत थी, फिर पोप और पादरियों ने सोच को क्या किया? जकड़ लिया, है ना, अब फिर से जागृत हो गए। तो यही बात डेविस कह रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग हम लोगों ने देखा इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन उन सब का जो बताने का जो अर्थ है वो अर्थ तो एक ही है कि लोगों की सोच का जागरण, विवेक का जागरण, बुद्धि का जागरण, सांस्कृतिक विचारों का जागरण, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि ऐसे क्या कारण थे कि जो लोगों की जो सोच जाग सो गई थी वो जागृत हो गई? उनकी सोच जो पोपर पादरियों ने सोच को जकड़ लिया था, ऐसे क्या कारण, ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई कि लोगों की सोच जागृत हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं? कारण। तो पुनर्जागरण के कारण भी कह सकते हैं हम लोग इसको। तो मैं अभी नोट डाउन कर लिया, पुनर्जागरण के कारण क्या कारण थे जकड़ ली थी वो जागृत हो गई, विवेक से काम करना शुरू कर दिया, अपनी बुद्धि से काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहला कारण माना जाता है क्रूसेड। क्रूसेड, ठीक है, जिसको हम अपनी आम भाषा में कह सकते हैं धर्म युद्ध। जो युद्ध धर्म के लिए लड़ा जाता है उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। क्रूसेड इट मीन धर्म। यूरोप में मुसलमानों के आक्रमण होने शुरू हो गए, ठीक है, और यूरोप के जो लोग थे ये ईसाई लोग थे, ठीक है। यूरोप के लोग क्या थे? ईसाई लोग। ईसाइयों का जो पवित्र तीर्थ स्थल था जेरूसलम, ईसाइयों के पवित्र तीर्थ स्थल जेरूसलम पर मुसलमानों ने अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। और ईसाई लोग जेरूसलम को मुसलमानों के आधिपत्य से मुक्त करवाना चाहते थे, ठीक है, है ना। इसीलिए ईसाइयों को जेरूसलम को मुक्त करवाने के लिए मुसलमानों से युद्ध लड़ना पड़ा। धार्मिक स्थान के लिए युद्ध हो रहा है, जिसलिए इसे क्या कहा गया? दूसरे धर्म युद्ध, ठीक है। तो देखो ईसाइयों के पवित्र स्थल जेरूसलम पर मुसलमानों ने अपना अधिकार कर लिया, ईसाई लोग जेरूसलम को मुसलमानों के आधिपत्य से मुक्त करवाना चाहते थे, है ना। और इस समय जो ईसाई धर्म के प्रधान थे, मैं भी बता चुकी हूँ पहले,
पादरी कहा जाता था जिन्हें, ठीक है, पोप और पादरी अपने आप को ईश्वर का स्वरूप ना मानकर अपने आप को ही ईश्वर कहते थे, ठीक है, और क्या कहते थे कि हमारे मुंह से जो वचन निकल गए वो शाश्वत सत्य हैं, और लोग पोप और पादरियों की बातें मानते भी थे उस समय, ठीक है। तो जब ईसाई प्रजा जेरूसलम को, ईसाई लोग जेरूसलम को मुक्त करवाने के लिए मुसलमानों से युद्ध लड़ने जा रहे थे, तो उस समय वो पोप और पादरियों के पास गए, क्योंकि कोई भी काम करते थे तो पोप और पादरियों के पास जाते थे, क्योंकि वही सर्वे सर्वा थे। तो पोप और पादरियों ने, जो अपने आप को ईश्वर, साक्षात ईश्वर कहते थे, उन्होंने क्या कहा ईसाइयों को कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम इस युद्ध में विजयी रहो, ठीक है। तो ईसाइयों को ये लगने लगा कि अब तो हम जेरूसलम को मुक्त करवा लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो साक्षात ईश्वर ने आशीर्वाद दे दिया विजयी होने का, अतः हमारा तो मतलब असफल होने का कोई बनता ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, ईसाइयों और मुसलमानों में युद्ध हुआ, ठीक है। पोप और पादरियों के आशीर्वाद होने के बाद भी ईसाई लोग ये युद्ध हार गए, जेरूसलम को मुक्त नहीं करवा सके। तब ईसाई लोगों के मन में ये आया कि ये तो कहते थे कि हम भगवान हैं और हमारा आशीर्वाद, हम भी सब कुछ हैं, हम ईश्वर हैं और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, है ना, और कि हम युद्ध में विजयी होंगे, लेकिन इनका, ये भगवान है, अगर ईश्वर है, इनका आशीर्वाद था, फिर भी हम युद्ध हार गए, अर्थात ये ईश्वर नहीं है, ठीक है। अब उनका खुद का विवेक जागा, बुद्धि जागी कि ये सही नहीं है, अगर धर्म युद्ध ना होता, है ना, ना ये आशीर्वाद देते और वो हारते, वो हारे भी ना होते, तो लोगों की सोच कैसे जागृत होती, है ना, समझ आया। और इस युद्ध में जब ईसाई हार गए, उन्होंने फिर अपने विवेक से, बुद्धि से काम करना शुरू किया, उनका पोप और पादरियों पर जो विश्वास था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, उन पर विश्वास खत्म हो गया, उनकी बात माननी बंद कर दी और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आपका पहला कारण था, आगे के कारणों के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।